गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास टू मैथ्स। टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज चैप्टर 3 सब्ट्रैक्शन। देखो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हम कर चुके हैं, आज हम इसे रिवाइज करने वाले हैं। तो देखिए, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना, ये है आपका सब्ट्रैक्शन का साइन, जिसे आप माइनस भी कहते हो। तो शुरू करते हैं वार्म अप से। दिस इज़ मानवी बर्थडे पार्टी। देखो यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी गई है, ये मानवी की बर्थडे पार्टी की पिक्चर है। इसमें देखो 19 बैलून्स है, मानवी के फ्रेंड्स ने 16 बैलून्स को बर्स्ट फोड़ दिया। तो बताओ हाउ मैनी बैलून्स आर लेफ्ट, कितने बैलून्स बचे। लेफ्ट का मतलब होता है जहाँ भी, जिस भी वर्ड प्रॉब्लम में लेफ्ट वर्ड आएगा, इट मीन्स आपको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो देखो मानवी की बर्थडे पार्टी में 19 बैलून्स हैं। देखो ये 19 बैलून्स हैं आपके, इसमें से देखो मानवी के फ्रेंड्स ने 16 बैलून्स को बर्स्ट कर दिया, फोड़ दिया। तो आप 16 बैलून्स को कट कर दो। तो देखो कट करा हमने 16 बैलून्स को, तो देखो बैलून्स बचे 1, 2, 3। तो 19 में से जब 16 को सब्ट्रैक्ट किया, कम किया, घटाया, तो हमारे पास आया नंबर 3। तो 3 बैलून्स आर लेफ्ट, 3 बैलून्स बचे। देखो यहाँ पे आपको साइन भी दिया गया है, ये आपका सब्ट्रैक्शन का साइन है। अब हम शुरू करते हैं। देखो एक्सरसाइज 3.1 में आपको दिया गया है सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स। देखो 3 फैक्ट्स हैं। फर्स्ट है आपका, बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम अ नंबर वी गेट द प्रीवियस नंबर। देखो जब भी हम किसी नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें उनके डिफरेंस में जो हमारा आंसर होता है, वो उससे प्रीवियस नंबर, पिछला नंबर मिलता है। जैसे कि देखो हमने 18 - 1 किया, 18 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारा आंसर 18 से प्रीवियस नंबर, 18 से पिछला नंबर होगा। तो 18 से प्रीवियस नंबर, 18 से पहले आने वाला नंबर है 17, यानी बिफोर नंबर। ऐसे ही देखो अगर हम 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 5 का बिफोर नंबर क्या होगा, 5 से पहले आने वाला नंबर 4। तो 5 - 1 हुआ 4। तो ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है, व्हेन अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ द डिफरेंस इज 0। जब किसी नंबर में से उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो उनका डिफरेंस जो आंसर होता है वो 0 होता है। लाइक देखो 10 में से मैंने 10 को ही सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरा आंसर होगा 0। यानी एक नंबर में से आप उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आंसर आपका 0 आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है, सब्ट्रैक्टिंग 0 फ्रॉम अ नंबर मीन्स नो सब्ट्रैक्शन। देखो अगर किसी नंबर में से आप 0 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, घटाया नहीं जा रहा, आपका जो डिफरेंस होगा, जो आंसर होगा, वो वही नंबर होगा जिसमें से आपने 0 को सब्ट्रैक्ट किया है। तो 7 - 0 इज इक्वल टू 7। ऐसे देखो 11 - 0, आंसर 11 होगा। तो ये हुई आपकी सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स। एक्सरसाइज 3.1 में हमें इन्हीं फैक्ट्स के बेसिस पे ए पार्ट दिया गया है। इसमें देखो आपको कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं जिन्हें आपको फिल करना है। फर्स्ट है आपका 47 - 0, तो आंसर क्या होगा। देखो 0 माइनस हो रहा है, इट मीन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, आंसर वही नंबर आ जाएगा जिसमें से 0 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, 47 ही हमारा आंसर होगा। सेकंड है 19 - 19, तो देखो 19 में से 19 को ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जब हम किसी नंबर में से उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आंसर आता है 0। थर्ड 61 - 1, देखो एक नंबर में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारा आंसर जिस नंबर में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसका प्रीवियस नंबर होगा, यानी उसका पिछला नंबर। तो 61 का प्रीवियस नंबर, बिफोर नंबर है 60, तो 61 - 1 इज इक्वल टू 60। तो ऐसे ही आपको इन सभी को करना है। देखो फोर्थ में दिया गया है 84 में से हम किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करें कि इनका डिफरेंस 84 ही आए। तो देखो 84 ही डिफरेंस लेके आना, इट मीन्स सब्ट्रैक्शन होना ही नहीं है। देन आप क्या करोगे, आप 84 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आप इस बॉक्स में 0 फिल करेंगे। बी पार्ट में देखो आपको 2 डिजिट के 2 नंबर्स दिए गए हैं, बिगर नंबर में से आपको स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है और उनके बीच का डिफरेंस बताना है। जैसे फर्स्ट आपको दिया गया है 77 - 52, इन्हें सब्ट्रैक्ट करो। सबसे पहले आप करोगे वंस कॉलम को सब्ट्रैक्ट, देन टेंस कॉलम को। तो वंस कॉलम पे ऊपर है आपका नंबर 7, नीचे है 2, 7 में से आपको 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 7 - 2 होगा 5। देन आप टेंस कॉलम करो, 7 - 5 - 2, तो आपका आंसर हुआ 77 - 52 इज इक्वल टू 25। देखो ये सभी आपके ऐसे होंगे। तो ये हुई आपकी एक्सरसाइज 3.1। 3.2 में आपको क्या करना है, रीग्रुपिंग। देखो एडिशन वाले चैप्टर में भी आपने रीग्रुपिंग करना सीखा था। तो देखो कई बार क्या होता है, जब हम किसी नंबर में से एक दूसरे नंबर को घटा रहे होते हैं, तो जिस नंबर में से
जब हम कई बार क्या होता है एक छोटे नंबर में से हैं बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एक छोटे नंबर में से हम बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, हम रीग्रुपिंग करते हैं। जैसे आप बोरोइंग भी कहते हो, जो हायर प्लेस होता है, सात वाला जो प्लेस होता है, उससे हम 110, 100 या 1000 बोरो कर लेते हैं, यानी उधार ले लेते हैं। तो यही है आपकी रीग्रुपिंग। जैसे आपने एडिशन वाले चैप्टर में किया था, जो आपका वंस कॉलम पे 9 से ज़्यादा वंस थे, तो आप जो लेफ्ट वाला डिजिट था उसे नेक्स्ट कॉलम पे कैरी बना दिया था। अब आपको उल्टा करना है। देखो, जैसे आपको माइनस करना है 34 में से आप अगर 17 को माइनस करना चाहते हो, तो देखो 4 एक छोटा नंबर है, 7 बड़ा नंबर है, तो 4 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि 4 7 से छोटा है। तो ऐसी कंडीशन में जो 4 है वो अपने इस हायर प्लेस से 3 से 3 टाइम्स प्लेस पे है, इससे 110 बोरो ले लेगा, तो 4 बन जाएगा 14 और 3 टाइम्स से बचेंगे 2 टाइम्स। तो आपको यही करना है। तो देखो एक्सरसाइज ए 3.2 में ए पार्ट में आपको यही दिया गया है। देखो 42 है, इसे रीग्रुपिंग करो। तो रीग्रुप कर क्या कैसे करोगे आप, देखो 2 जो वंस प्लेस पे है उसके पास 4 टेन से 110 आ जाएगा, तो 2 बन जाएगा 12 वंस और 4 टेन से बचेंगे 3 टेन्स। ऐसे देखो 33 दिया गया है आपको एक नंबर, इसे रीग्रुप करो। तो देखो जो आपका 3 वंस है उसने 3 टेन से 110 बोरो लिया, तो 3 वंस बने 13 वंस और 3 टेन्स के पास बचे 2 टेन्स। तो इस तरीके से आपको एक्सरसाइज 3.2 में रीग्रुपिंग करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 3.3। इसमें आपको बोरोइंग वाले सब्ट्रैक्शन दी गए, जो हमने रीग्रुपिंग सीखा है सेम आपका वैसे ही करना है। देखो आपको नंबर दिया गया है, सपोज 80 माइनस 27। तो देखो 0 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि 0 7 से छोटा नंबर है। तो ऐसी कंडीशन में जो 0 है ये अपने टेंस जो टेंस प्लेस पे 8 है उसे 110 बोरो ले लेगा, तो उस 8 टेंस के पास बचेंगे 7 टेंस, क्योंकि ये अपना 110 0 को बोरो दे रहा है और 0 के पास 110 आ जाएगा तो 0 बन जाएगा 10। तो 10 माइनस 7 हुआ 3 एंड 7 माइनस 2 हुआ आपका 5, तो आंसर हुआ 53। तो इस तरीके से ही आपको बोरोइंग करते हुए इन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 3.4। इसमें देखो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बीच में रिलेशन बताया गया है। तो देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों इनवर्स ऑपरेशन है। जैसे कि देखो आपको एक्सरसाइज 3.4 के ए पार्ट से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखो आपको दिया गया है यहाँ पे 91 माइनस 50 इज़ इक्वल टू 41। देखो 90 में से हमने 50 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 41। अब देखो जिस नंबर में से, जिस बिगर नंबर में से आप स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो स्मॉलर नंबर जिसे आपने सब्ट्रैक्ट किया और जो आपका डिफरेंस आया, उन दोनों का जोड़ वही नंबर होगा, वही बिगर नंबर होगा जिसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो 41 जो आपका डिफरेंस है और 50 जो सेकेंड नंबर है जिसे आपने सब्ट्रैक्ट किया, उन्हें ऐड करने पर आया देखो 91, यानी वो बिगर नंबर जिसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो ये इनवर्स ऑपरेशन है। तो इस तरीके से आपको ए पार्ट को करना है। बी पार्ट में भी देखो आपको सेम यही दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स है। देखो फर्स्ट आपको दिया गया है 35 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 40। तो आपको इनका रिलेशन एक्सप्रेस करना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। तो देखो जो 40 है, जो 35 और 5 को प्लस करने पे जो सम आ रहा है 40, उसमें से आप जो सेकंड नंबर है जिसको आपने ऐड करा है 5 को, उसे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आंसर वो नंबर आएगा, वो बिगर नंबर जिसमें आपने 5 को ऐड किया था। तो 40 माइनस 5 इज़ इक्वल टू 35। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आपका बी पार्ट इस तरीके से होगा। एक्सरसाइज 3.5 में आपको वर्ड सम्स दिए गए हैं। देखो फर्स्ट आपका है, अ फ्रूट सेलर हैड 55 एप्पल्स, ही सॉल्ड 50 ऑफ देम, हाउ मेनी एप्पल्स आर लेफ्ट अनसॉल्व। देखो इस वर्ड प्रॉब्लम में आपका लेफ्ट आ रहा है, याद रखना जिस भी वर्ड सम में, वर्ड प्रॉब्लम में आपका लेफ्ट वर्ड आता है, इट मीन्स आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको ये कहा गया है कि एक फ्रूट सेलर के पास 55 एप्पल्स थे जिसमें से उसने 50 एप्पल्स बेच दिए, तो बताओ उसके पास अब कितने एप्पल्स बचे। तो 55 माइनस 50 इज़ इक्वल टू 5। तो 5 एप्पल्स बचे उसके पास जो उसके नहीं बिके। ऐसे देखो सेकंड दिया गया है, एक क्लास है उसमें 70 स्टूडेंट्स हैं,
45 स्टूडेंट्स उसमें गर्ल्स हैं और बाकी सभी बॉयज़ हैं, तो बताओ उस क्लास में कितने बॉयज़ हैं। तो देखो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं 70 और नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं 45, तो बताओ नंबर ऑफ़ बॉयज़ क्या होगा। तो नंबर ऑफ़ टोटल स्टूडेंट्स में से नंबर ऑफ़ गर्ल्स को सब्ट्रैक्ट कर दो तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ निकल आएगा। तो 70 - 45 = देखो बोरोइंग करेंगे हम, 0 - 10, 7 - 10 से बचे 6 - 10, 10 - 5 = 5, 6 - 4 = 2, तो आंसर हुआ आपका 25। तो उस स्कूल में 25 बॉयज़ हैं। तो इस तरीके से आपको इन वर्ड सम्स को करना है। तो स्टूडेंट्स देखो ये आपका चैप्टर थी सब्ट्रैक्शन कंप्लीट हुआ। इसमें हमने आपकी एक्सरसाइज 3.1 से 3.5 तक सभी एक्सरसाइज को रिवाइज़ किया। आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज़ करोगे और रफ नोटबुक में इसकी प्रैक्टिस करोगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू।